हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीके की दुनिया। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 25 साइंस क्वेश्चन फॉर रेलवे ग्रुप डी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो दोस्तों, तो इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे चैनल जीके की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए हर दिन नए नए वीडियो लाता रहूँ। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहा जा रहा है, विद्युत अपघटन का नियम सबसे पहले किसने दिया? तो सही आंसर दोस्तों फैराडे ने। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, इंसुलेशन प्रतिरोध के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मेगर का। चलो दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, समतल दर्पण के नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो सही आंसर है दोस्तों अनंत। चलो दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, हवा में ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती है? दोस्तों, हवा में ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती है? तो सही आंसर दोस्तों लंबवत। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर दोस्तों एकॉस्टिक। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर दोस्तों हाइड्रोफोन का। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, जल का हिमानी जी दोस्तों, जल का हिमांक कितना होता है? तो सही आंसर है दोस्तों फॉरेनहाइट में, यहाँ पे आंसर पूछा जा रहा है दोस्तों, सही आंसर है 32 डिग्री फॉरेनहाइट। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बताया। कहा जा रहा है, खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो सही आंसर है दोस्तों स्थैतिक ऊर्जा। चलिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बताया। कहा जा रहा है, जड़त्व के नियम को सबसे पहले किसने दिया? तो सही आंसर दोस्तों गैलीलियो ने। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? तो सही आंसर दोस्तों परवलयाकार। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, पेट्रोल जैसे तो पेट्रोल किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? सही आंसर दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। चलिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, हीरे का 1 कैरेट बराबर कितना मिलीग्राम होता है? तो सही आंसर है दोस्तों 200 मिलीग्राम। चलिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, तांबा किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तांबा किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों विद्युत अपघटन द्वारा। चलिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, परमाणु के द्रव्यमान संख्या किसके संख्या के बराबर होता है? तो सही आंसर है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, किसी तत्व के रासायनिक गुण जी हाँ दोस्तों, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। चलिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर दोस्तों डाल्टन ने। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जाता है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? जी दोस्तों, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर दोस्तों डेमलर ने। चलिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है, जल के प्रवाह के मापक यूनिट क्या होता है? जी दोस्तों, जल के प्रवाह का मापक यूनिट क्या होता है? तो सही आंसर दोस्तों क्यूसेक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जाता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो सही आंसर दोस्तों अनंत। चलिए दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका सही आंसर दोस्तों शून्य। दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर पूछा जाए तो अनंत, और आमीटर का प्रतिरोध अगर पूछा जाए तो शून्य। चलिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सही आंसर है दोस्तों 8 सेमी। चलो दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने किया था? तो सही आंसर दोस्तों माइकल फेराडे ने। चलो दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, जिन पदार्थ में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ। चलिए दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? जी दोस्तों, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो सही आंसर है दोस्तों 1000 ओम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, कितना केल्विन ताप पर पारा अधिक चालक बन जाता है? जी दोस्तों, कितना डिग्री केल्विन ताप पर पारा अधिक चालक बन जाता है? तो सही आंसर दोस्तों 4.2 डिग्री केल्विन। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और कोई सूचना या सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।